मुंबई ड्रग मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। बीते दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता को अपने निशाने पर लेने के बाद फिर से नवाब मलिक ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा कि हमने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाए, तथ्यों के साथ इसे सामने लाए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े पर प्राइवेट आर्मी के जरिए उगाही करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है, छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। समीर वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। नवाब मलिक ने आगे कहा, फडणवीस जो मेरे दामाद पर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मैंने किया था, ये आरोप मुझ पर लगा था, इसलिए मैंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था। मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पीछे मानो हाथ धोकर पड़ गए हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े के कपड़ों और उनके शौक पर सवाल उठाते हुए कहा, बाकी कई अधिकारियों को देख लीजिए जो सिर्फ 700 से लेकर 1000 रुपए तक की शर्ट पहनते हैं, लेकिन समीर वानखेड़े 70,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं। वो 2 लाख के जूते और 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा, कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ, अपने करीबी वानखेड़े से पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा वानखेड़े के पास मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।